पाइट कॉलेज में 1.16 करोड़ लागत से बनेगी आइडिया लैब। AICTE से मिलेगा फंड। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में से पाइट कॉलेज इकलौता ऐसा कॉलेज बना है जहां पर AICTE से मिले फंड से एक आइडिया लैब तैयार होगी, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी गई, जिसमें राकेश दोयल ने बताया कि 14 जून 2021 को CBSE, AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में देश के 49 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट जारी की जहां पर आइडिया लैब बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया, आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए 1.16 करोड़ लागत से बनी इस लैब को पाइट कैंपस में बनाया जाएगा, जिससे 55 लाख रुपये का फंड AICTE कॉलेज में देगी। ज़रूरत है देश की, वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो लेवल पे स्टार्टअप हों, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले और इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर के फैक्टर से GDP बढ़े, जिसके लिए 5-6 स्टेट्स के स्कूल्स, पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, फैकल्टी इसका फ़ायदा लेके देश की तरक्की में हिस्सा डाल सकती है। जिनको ये अवार्ड हुआ है और ये अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख की जो है फंडिंग है जो AICTE इन सब इंस्टीट्यूशंस को देगा, और 1 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है जिसमें से 50 लाख हैं जो एक इंस्टीट्यूशन को अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना है। बट पाइट के अंदर वी आर प्रपोजिंग टू इन्वेस्ट 20 करोड़ इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और हम इसको एक आइडिया लैब के साथ साथ एक हम इनोवेशन, स्टार्टअप और एक्सेलरेटर, तो हम ये जो चारों चीज़ों को जो जोड़ के हम इसको बना रहे हैं, और वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड 20,000 स्क्वायर फीट एरिया इन आर कैंपस, और 6 महीने में हम 20,000 स्क्वायर फीट एरिया और इसमें जोड़ेंगे। और हम क्योंकि ये एक AICTE और एक CBSE का एक MOU भी रिसेंटली 14 जून को साइन हुआ है, जिसके अंदर जो आपके स्कूल्स हैं उनको भी इंस्टीट्यूशन जिनको आइडिया लैब मिला है उनको वो फैसिलिटेट करेंगे, उनको उनके बच्चों को भी हेल्प करेंगे। तो पाइट हमेशा से इन चीज़ों के लिए अग्रसर रहा है। इस लैब का मुख्य उद्देश्य हरियाणा और आसपास के सभी राज्यों के CBSE स्कूलों के 11वीं और 12वीं कक्षा इंजीनियरिंग, साइंस और पॉलिटेक्निक के उन सभी विद्यार्थियों जिनके पास कोई आइडिया है उसे साकार करना है। इसके अलावा अगर किसी विद्यार्थी को किसी कंपनी या इंडस्ट्री में ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो सुविधा भी उसे उस कॉलेज में मिलेगी। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।